हैरिस साहब, क्यों अत्याचार हो रहा है बलूचों पर? क्यों 5,000 की फौज और भेजी जा रही है? क्यों लाइट इन्फेंट्री तैनात कर दी गई है? क्यों बैट तैनात कर दी गई है? क्यों टैंकों से क्वेटा में भगाया जा रहा है बलूच प्रदर्शनकारियों को? क्यों बलूचिस्तान पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके क्यों बैठा है? आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि पूरे खार प्रोविंस के अंदर हमारी फौज मौजूद है, और वो क्योंकि आप प्रॉब्लम बलूचिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आपको पता है प्रॉब्लम है, वो वजह है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप काम का एक नया शीर्षा छोड़ें, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। सारे बलोच बहन भाई हमारे वहाँ के बहुत खुश हैं, 1-2% जो घूम रहा है वो भी अनकरीब पहाड़ों से उतरने वाले हैं। आप इसका फिक्र ना करें, आप अपने आप को जो प्रॉब्लम आपके मुल्क में हुई है, जो सारे आपके साथ 65-67 स्टेट में एंसलेट मूवमेंट चल रही है, कश्मीर पे आपने कब्जा किया हुआ है, फिर हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, अपने देश की बात करिए, बलूचिस्तान में क्यों हो रहा है? हैरिस साहब बताइए, आप इतने बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों पाकिस्तान ने चीन को अपने क्यों गिरवी रख दिया है? चीन के हाथ में पूरा पाकिस्तान क्यों गिरवी रख दिया है? बलूचिस्तान रख दिया, गिलगित रख दिया, बाल्टिस्तान रख दिया, पीओके ले दिए दिया, इसका जवाब तो दीजिए। कर्ज के बोझ तले इतने दबे हैं कि आपकी पीढ़ियां भी उसका निपटारा नहीं कर सकती। आपको किसने कह दिया है? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? पाकिस्तान का मर्जी मर्जी है, जैसे मर्जी हम चले, जिसको मर्जी इन्वाइट करें, अपनी डेवलपमेंट करें, पोर्ट बनाए, अपनी इकोनॉमिक तरक्की करें। आपको प्रॉब्लम क्या है? हम एक इस्लामिक, एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इकोनॉमिक तरक्की करना चाहते हैं ताकि आपका मुकाबला कर सके, और सही मुकाबला वही इस्लामिक मुल्क जहां पर बलूचिस्तान में आजकल चीनी कंपनी आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, वही इस्लामिक मुल्क है ना आपका, जहां पर चीनी कंपनी आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़ा क्लियर रखें सर, वही है ना जहां पर चीनी कंपनियां मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, कराची और कई इलाकों में, बलूचिस्तान में भी नहीं पढ़ने दे रही है, सच है कि नहीं है ये बताइए। रॉक एजेंट की बात कर रहे हैं, किसने कह दिया पढ़ने नहीं दे रहे हैं? किसी की जरूरत? अभी सुनवाता हूँ, अरे साहब सुनवाता हूँ, अपनी सुनवाता हूँ।